कहा नहीं वो दो तीन वर्ष करेगी, मैं दो तीन वर्ष करता हूँ आदि गुरु से। अच्छा हाँ, और वो दूसरी बात ये है, हाँ मगर उसके साथ मैं एक बात करता हूँ, वो भी आप कर सकते हैं। अगर उसके साथ आपको ऐसी कोई रेड वाइन मिल जाए जिसकी वॉल्यूम पे लिखा हो 30, जानते हैं बोतल पे लिखा 13% 8% 9% आठ वाली अगर लिखा हो, 8 लिखा हुआ है, तो वो जो एक आती है उसकी, अच्छा आठ वाली उसकी सिर्फ अच्छी, मगर 13% अगर लिखा हुआ है तो वो तो उसको व्याघ्र को दबा बड़ा तो बड़ी स्ट्रॉन्ग हो जाती है। 13% यहाँ मिलती नहीं है वैसे, एक आध बोतल आ जाती है, या ऑस्ट्रेलियन वाइन है स्टैंप ऑफ ऑस्ट्रेलिया, उस पर स्टैंप हो बना हो जानवर का बना, अच्छा ये जानवर का है बताना ऐसे लोगों को अच्छा तो ये सिलेक्टेड लोग इधर बैठते हैं, हमें नहीं पता था इसलिए कभी इस कमरे में आए, शर्मिंदा ना करें। नहीं नहीं पता है कि चला सदो साहब के बारे में कुछ कहना बहुत मुश्किल काम है। तो सदो के काम के अंदर कहानी नवेसी का अंदाज है, जो शुरू का काम था जो बरतानिया में उन्होंने एग्जिबिट किया और जो वहाँ पे म्यूज़ियम में मौजूद है, वो आउट ऑफ द क्लास मिसाली काम है जो कि देखने को मिलता है। यहाँ पे भी जो काम किया यकीनन आउट ऑफ क्लास है, बट हमारे माशरे में एक डायलमा है कि आर्टिस्ट की कदर उस वक्त होती है जब हम उसे खो देते हैं, और जो माशरे आर्ट की और आर्टिस्ट की कदर नहीं करते वो थोड़े दिन में अपने आप को खो देते हैं और ख़ुद ख़त्म हो जाते हैं।